नमस्कार किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर किसान न्यूज चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोयाबीन की फसल में कीटों और इल्लियों को किस हिसाब से रोका जा सकता है। तो किसान भाइयों, हम पहले कीटों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कीट जो होते हैं किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल के लिए बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं। यह कीट पत्तियों से रस चूसते रहते हैं, इससे जो सोयाबीन की फसल होती है उसमें बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में के मुख्य कीट हैं जैसे तना मक्खी है। तना मक्खी प्रारंभिक अवस्था में किसान भाइयों ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। 7 से 8-10 दिन की जब फसल हो किसान भाइयों, तो हम इस कीट के कंट्रोल के लिए हमें थायमेथोक्सिम 25 WG का 100 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से 1000 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर देंगे तो ये कीट किसान भाइयों दूर हो जाएगा। साथ ही साथ तो दूसरा जो कीट आता है किसान भाइयों, चक्रभग्र, इसके कारण भी सोयाबीन की फसल में बहुत ज़्यादा हानि होती है। अगर इसके कंट्रोल के लिए किसान भाइयों हमें मोनोक्रोटोफास 36 SL का 800 ml दवा को 1000 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर देंगे तो जो आपका चक्रभग्र नाम से कीट है वो भी किसान भाई दूर हो जाएगा। साथ ही साथ जितने के सकिन पेस्ट हैं अपनी जो सोयाबीन की फसल में, सारे जो सकिन पेस्ट हैं वो किसान भाई दूर हो जाएंगे, जैसे माऊ और चैंपा फैपा, सारे किसान सकिन पेस्ट किसान भाई इस दवा से दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर इल्लियों की हम बात करें तो तम्बाकू की इल्ली और रुएदार इल्ली, सभी प्रकार की जो सोयाबीन में इल्लियाँ लगती हैं उनके कंट्रोल के लिए किसान भाइयों आपको इन दवाओं का प्रयोग करें तो आपकी सभी प्रकार की इल्लियाँ ख़त्म हो जाएंगी। पहला नंबर आता है किनालफास का 25 EC का, इसे 1.5 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर देंगे तो सभी प्रकार की इल्लियाँ आपके किसान भाइयों आपकी सोयाबीन की फसल से दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ दूसरी दवा आती है ट्राइजोफास 40 EC, इसे 800 ml दवा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों आप स्प्रे कर देंगे तो इससे भी सभी प्रकार की इल्लियाँ आपके किसान भाइयों दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ तीसरी जो दवा आती है इवेक्टिन बेंजोएट 5 SG, ये 200 ग्राम दवा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों अगर स्प्रे कर देंगे तब भी आपकी सभी प्रकार की इल्लियाँ दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ चौथी जो दवा आती है प्रोपनोफास 40 EC, इसे 1 लीटर दवा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1000 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देंगे तब भी किसान भाइयों आपकी इल्लियाँ दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने 4 इल्लियों की प्रमुख दवाएँ बताई हैं। इन दवाओं में से एक दवा आप स्प्रे कर देंगे तो आपकी सभी प्रकार की इल्लियाँ दूर हो जाएंगी, साथ ही साथ आपकी सोयाबीन की पैदावार भी अच्छी मिलेगी। तो थैंक्स किसान भाइयों, अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हुए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स किसान भाइयों, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।